उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या वास्तव में एक योगी हैं? आइए जानते हैं सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन और सामाजिक मुद्दों पर। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचौर गाँव के एक गढ़वाली राजपूत परिवार हुआ था। इनका पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी माँ का नाम सावित्री देवी है। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व एक बड़े भाई के बाद ये 5वें थे एवं इनसे और 2 छोटे भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी का गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की व 1987 में यहां से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बंट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ही गोरखपुर आए एवं गोरखपुर प्रवास के दौरान ही ये महंत वैद्यनाथ के संपर्क में आए थे, जो इनके पड़ोस के गांव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अंततः ये महंत की शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत वैद्यनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथपंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। विवादित जीवन। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बचे। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वह बुरी तरह जख्मी है। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगल दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। उन पर कार्यवाही का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। यह दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ी। योगी धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे। 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों का शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में शामिल कराया। ईसाइयों के इस शुद्धिकरण का काम उत्तर प्रदेश के एटा जिले में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर और शामली सांप्रदायिक दंगे से जुड़े 131 मामले वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इस सांप्रदायिक दंगे में 63 लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। दंगे में बीजेपी के विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा भी आरोपी हैं। इन 131 मामलों में से 13 हत्या और 11 हत्या की कोशिश के हैं। इसके अलावा जिन मामलों को वापस लिया जा रहा है उनमें से कई भारतीय दंड संहिता के मुताबिक जघन्य अपराधों से जुड़े हैं। अब आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ एक महान योगी तथा साथ में सच्चे देशभक्त भी हैं। दोस्तों, योगी जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं, और इसी तरह की और भी खबरों के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।